खऱ्या अर्थाने आज जर पाहिलं आज मला आयोजकांनी संधी दिली आणि खऱ्या अर्थाने आज ही संधी माझ्यासाठी खऱ्या अर्थाने मी सोनं करण्याचा प्रयत्न केला आणि खऱ्या अर्थाने माझ्या लाडक्या क्रिकेट रसिकांना हसवण्याचा प्रयत्न केला. आमच्या समवेत खऱ्या अर्थाने जर पाहिलं दोन अनुभवी ऑफिशियल समालोचक अर्थात बाबू शाह आणि नितीनजी कालन सर दोन समालोचक आमच्या समवेत जोडले होते. चला जाऊया मैदानाच्या आतमध्ये. सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होत असताना जीत भोईर आणि जीत भोईरच्या साथीला केतन मात्रे महाराष्ट्राचा बायकरमॅन काय सांगायचं आहे जेला काय रे काय काय सांगता आम्हाला सांगा. हा मस्त गुलू 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 बारी बाता सांगता या का त्याय बरोबर आहे. काय सांगायचं योग मामा योग भाषा योग भाव घरच्या घरी यांचा कार भराय काय अगदी आपण पाहतोय. कारण की गोलंदाजी ट्रॅक वरती ओमकार आलाय पहिले षटकासाठी. स्ट्राइक एंड वरती महाराष्ट्राचा बायकरमॅन केतन म्हात्रे. बेकार जाडू शॉट जेल्या जेल्या पार खुरपाय लागला यो गडी नाठी आता यो ओमिया पार्याना टॉप गिअर टिकला का काय गेला. पहिलेच बॉलाव घष्टाय सुरुवात केली झाला बिरडा निष्ठवाय सुरुवात सीमा पार चौकार. राहील बेकार आता हेलिकॉप्टर उडायला काय सांगायचं आहे. बेकार गडी आहे बॉलर तुझा कमरेचा मणी तेटा हलाय लागला डुगु 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 काय नको तो यार बसला तरी माझा याचा कमरेचा मणी ढिला केला दोन रट्यात गाठल्याचा मणी आणलाय कमरेचा मणी ढिला झाला होता पंचांना सांग मग गाठल्याचा म्हणून मणी आणून खोसून दे तू फिट करी तू काम चालू. अगदी केतन मात्रेचे फॅन समर ढोले जे सातत्याने केतनच्या सोबत असतात आज त्यांच्याच गावची टीम लागले तर डोक्याला मडा टेन्शन काय सांगायचं आहे. दोन चौके मारले जोरात टाळ्या काय सांगायचं आहे. आज काय वादा अजून आणि एकतर क्षेत्ररक्षण करते ती त्याच्या घरची टीम आणि फॅन आहे तो लागलाय धुमसायला पार मग काय आहे आणि काय नाही. येणारा पुढचा बॉल दोन बॉल वरती दोन चौकार यावेळी देखील हो बेकार परत खालची आली वरची आली सक्याचे गले ना तुक्याचे बोली ना हान ठोकाठोक बेकार चौकार. अजून तीन मारला अजून तीन मारीन आताची पोझिशन दे का फलंदाजी कमालीची राहिली आहे तरी मालवाडत उपाशी पोटी आहे भरलेले पोटी असतात अजून रट्ट मारला असत उपाशी पोटी काम झालं तरी चौकक मारी तो बेकार काम आहे. अगदी आपण जर पाहतोय मित्रांनो कारण की क्रिकेटला क्रिकेटच्या मॅचला कधी गेल्यानंतर कधी टायमावरती जेवण मिळतं कधी नाही मिळत आणि खऱ्या अर्थाने आज जर पाहिले केतन म्हात्रेची फलंदाजी बेकार बॉलर सांभाळ नाही तर गाणं आठवत तो लागला बिंगवायला. ओहो यावेळे देखील ओहो यावेळे देखील चांगला फटका क्षेत्रक्षेत परंतु पुन्हा एकदा बॉल उडदाची डाळ भेंड्याची भाजी चिकूट चिकूट तू चल मोर मा आलू मगी हो चौथा चौकार. उदय नाही यांना बेकार उदय लायली काय सांगायचं चार बॉला चार येरा वाकलनवाला येड काय रिमोट बिमोट ठेवला आहे का काय केलाय बेकार काम आहे ना बोळू बोळू कौशी तो यो यावेळे देखील चालला नाही. ए आता हे बॅट्समनचे कमरेलाच काय तरी गडबड आहे. बॉलर पाच मिरच्या पाच बिंबू पाच बिबू 21 टाचण्या लिंबू आणा आणि बॅट्समनच्या अंगावरून उतरून येलपाडा कंजे तरी शांभाडात नियम नाही
काय सांगायचं आहे, ताकत नाही लाईत पण डोका बेकार वापरतो. फलंदाजी कमालीची राहिली आहे. वाकलांच्या गण्यानं लिंबूच मोडलाय का काय गेलाय, तर वाच कारभार चालू आहे इकडे. या बाय देखील हो इथे देखील चाला फटका पुन्हा एकदा. नाही काय सांगायचं आहे, पार आता यांना झाडू नाही पार खुरप्या लायल्या. साफ नाही त्या बरोबर आहे, पण मला विचार पडलाय का यांना कुईलू आणली ती कोठून, कारण बॅटीला बॉल ठोकला तो चौकार, ठोकला तो चौकार नक्की यांना बॅटीला कुईलूच लायली आहे. डीजे तर पहिल्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच जो राहिला होता राज पाटील यायचे आपण माटा डीजे, आपल्याला मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार दिला जाईल. राज पाटील माटा डीजे आपण या आपल्या पहिल्या मॅचची मॅन ऑफ द मॅच राहिली ती आपण देऊया राजला. समर ढोले यांचे शुभ असते मॅन ऑफ द मॅच देऊया. चला समर या तिथून मॅन ऑफ द मॅच आणि सिक्सर सुप्रीमो कडून एक इनर सुद्धा आहे. पहिल्या मॅच मध्ये मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी ठरला होता राज पाटील बटाटी संघाचा. नाही योगेश सर तुमच्या माहितीसाठी सांगतो की केतन म्हात्रे जो आता बॅटिंग करतोय तो सराव कौसा गावामध्येच करत होता, त्याच्या मामाचं गाव आहे त्यांना बरोबर. तर वाद बॉलरचा बिरडा निसटला पहिले वरी जागा, मामाचा गाव ना बरोबर, बिरडा निसटला बॉलरचा योग बॉल ना ठेला सगळं खोंबीत खोंबीत घालायला. सक्का मामा बॉलरला आलाय पण भासा नॉन स्ट्राईकला आहे ना, त्याला माहित आहे मामा याचा आहे मला बाजूल ठेवून आहे मामा घसतील यायचा जे. यस गोरख मामा सांगतायत आईवा झेल साठी 200 रुपयाचं कॅश प्राइज, प्रेक्षक वर्गांसाठी ही एक सुवर्ण संधी. अगदी निलेश भोईर यावेळे दुसरं षटक हाताळण्यासाठी सज्ज होत असताना स्ट्राईक इन वरती जीत भोईर बेकार जोई लागला भांडी घसायला. हानग सके पहिली बारी लागला तर लय भारी दणदणीत खणखणीत चौकार बेकार. तुम्हाला पळाय कटाळा येतो काय, आवडी तब्येत काल करायची, दुसरे बॉलरचा मरण करता तुम्ही, काय सांगायचं यांना पळाय कटाळा येतो चौका मारता पण बॉलरला भोसाडे ऐकावायला येतात नाही. फलंदाजी कमालीची राहिली आहे. स्ट्राईक एंड वरती फलंदाज जीत बोईल ज्याच्या पहिल्याच बॉल वरती चौकार आला. आता आता काय सांगायचंय, आता देखताय जिलबीवर मांगताय भजिया, ज्याची बायको मुखी तो सगळ्या सुखी. पहिला चौकार आला आता काय आलं उलट्या घसायचा, लागला ना लागला बॉल अंगाल तो येर तो रडाय लागला. नको रडू नको 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 यस जरूर डॉट बॉल इथे कमबॅक करत असताना पाहायला मिळाल ते म्हणजे निलेश भोईर. आणि षटकातला तिसरा चेंडू हाताळण्यासाठी पुन्हा एकदा या वेळेस हो जीत बोईर स्वतःने सांगितलं मी इथे बाद आहे. आणि खेळाडू वृत्ती काय असते हे मात्र सांगत असताना मैदानाच्या बाहेर खऱ्या अर्थाने नाराज स्थितीमध्ये बाहेर होत असताना जीत बोईर पहिला धक्का टीम जी जी स्पोर्ट वाकलं. खऱ्या अर्थाने जर पाहिली षटकाला निलेश भोईर आला आणि पहिल्याच बॉल वरती एक रिवर्सचा फटका एक्सेसवी ठरला जीत भोईर चौकार आला त्यानंतर डॉट बॉल त्यानंतर विकेट. चांगली कमालीचा कमबॅक. स्ट्राईक एंड वरती अभि भोईर पुन्हा एकदा हलक्या हाताने बॉल दाबलाय कुतायलाय रेमटायलाय तीन तीन फिल्डर येत आभार बेकार फिल्डिंग बेकार गडी कोण होता बाबू केतन म्हात्रे गाडी मात्र बेकार पळत या काही. कमालीचं क्षेत्ररक्षण आणि कमालीची गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. दोन धाबा दोन धाबीच्या मदतीनं धावपलक पुढे जात असताना पाहायला मिळालाय 30 धाबा. दुसरे षटक प्रगतीपथावरती बेकार योय लागला खबर करायला याला भूतली पडला.
तरी मा सांगा तेलकाट का आलं खातो रे ते खोबड्याला तेलकाट खाला त्याचा परिणाम येथे लागले। निलेश भोईर काय सांगायचंय मग अपासून त्यांना बॅट म्हणजे नाड्या धरल्यात पण काड्या घातले आता यांना अभी भोईर ना बेकार तो सांगा तो माझा मामा आहे माल नाही हो स्ट्राईकल तुझा तुलाच काय बघायचं त्या बघ तर वाच फलंदाजी कमालीची यावेळी देखील हो समोरच्या दिशेला खेळला क्षेत्रक्षक आले बॉल वरती बेडूक चाप्या फिल्डिंग तोपर्यंत एक धाव कम्प्लीट। हा हा बघा कधी स्टाईल मुद्दामुद गडी गंडवायचं काम करीतो काय ओर झाली अगदी आपण पाहतोय दोन षटकांचा खेळ समाप्त झाला। दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर संघाची टोटल जाऊन पोहोचले जीजी स्पोर्ट वाकलन टीमची 35 धावाडीज आहे। बरोबर गेल्या गेल्या लागला तलवार फिरवायला पण नॉन स्ट्राईक ओमकार पाटील गणेश भोईर काय तुमचा आड्याला पाय लायला फार तुम्ही नाही आज गुदगुदीत आहात घडी सगळं बरं आज आज गुदगुदीत हसता फार काय नाही जीत भोईर ना फार हात मुसकटायला दोन भांडी घसली तिसरी टोपशी फुटली गडी आउट एस एवळे जाऊया आपण ओमकार पाटील ज्युनियर म्हणजे सिनियर अजून एक ओमकार पाटील आहे काय पहिली हो हो एस ओमकार पाटील ज्युनियर यावेळेस हलक्या हाताने ते खेळायचं होतं शक्य झालं नाही गडी मात्र मस्त काम आहे का घुसवा घुसीची धंदा करीत बेकार टर्न पडला का लागला बॅटमनला घुमवायची आज कारभार फिनिश करीतो एस पहिला बॉल ओमकार पाटील ज्युनियरचा डॉट राहिला षटक क्रमांक 3 प्रगतीपथावरती इथे फुलरलेचा चेंडू हो इथे फटका चांगला या वेळेस बॉल मात्र निघून चाललाय सी मारीच्या पार बेकार षटकार जे बॉलिंग होती इकडे रेट पडली ना का 12 फिल्डर इकडे एकदम वापडतो प्रशांत एकदम वापडतो मला इकडे खुर्ची जेवून पडायची बारी तिकडे रट्टा बस आहे खोटी इकडे आणि काय नाही बॉलर चा भावा असून दे ना मग काय सांगायचंय टेन्शन त्याले तो पण जसा चौकार आला तसा 12 खेळाडू एक लिमिट आणि सके पहिली भारी लागला तर लय भारी तिसरी अगदी मला वाटतं आयोजकांकडनं सूचना येते नवीन चेंडू दिला जाईल तिसऱ्या तीन ओव्हरच्या नंतर आला आला आणायला आयला बळा बळा आणायला आयला याई काय सांगायचंय तुम्ही त्याला जगून माणूस असता तर त्यांना मोकार भोसाड्या दिल्या असत्या गडी तिकडे मोकार धुमसता परंतु फलंदाजी कमालीची राहिली केतन मात्रे 6 बॉल आणि 24 धावेचं कॉन्ट्रीब्युशन ज्याच्या बॅट मधन मला वाटतं या स्पर्धेमध्ये पहिल्यांदा 6 बॉल मध्ये 6 चौकार आलेत केतन मात्रे अगदी आपण पाहतो ज्युनियर ओमकार पाटील ज्याने पहिला बॉल डॉट त्याला दुसऱ्या बॉल वरती अविनाश भोईरच्या बॅट मधून मोठा फटका यावेळेस देखील बॉल हवेत फटका पसलाय आलाय फिल्डर चापत दडत बेकार भोतळा मात्र कड्याला शिवून आणला जा काय सांगला सासूबाई सासूबाई सासू मांडली असू कार्यक्रम फुस बॅट म्हणून बराय आता गड्याचे प्रशांतचे काहीतरी आता चेहऱ्यावर हसू आला ओ काय सांगायचंय
यावेळेस किरण म्हात्रे मैदानाच्या आतमध्ये बेकार, म्हात्रे गडीच बेकारात, गडी मखाट कामुई मखाट बेकार रट्ट, बॉलरला पार रडाय रडाय करता अगदी आपण पहा हा सुफलाच कोणाच नाही केला, योग केला तो उलादा मोडला। एकंदरीत आपण पाहतो मित्रांनो, जाऊया तिसरे षटक प्रगती पथावरती असताना धाव फलक आपल्याला पाहायला मिळालाय 41 धावा। ओमकार पाटील जुनियर ओमकार पाटील गोलंदाजी ट्रॅक वरती तिसरे षटक आदळत असताना तीन बॉल षटकातले अजूनही शिल्लक आहेत, तीन बॉल मध्ये सहा धावा खर्च करत असताना एक विकेट मिळवले, आता उर्वरित तीन चेंडू शिल्लक आहेत आज षटकातले आणि स्ट्राइक एंड वरती फलंदाज आपण किरण म्हात्रेला पाहतोय। मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होत असताना किरण म्हात्रे चौथ्या क्रमांकावरती गोलंदाजी ट्रॅक मध्ये जुनियर ओमकार पाटील हलक्या हाताने इथे बॉल हवेत खेळला, क्षेत्ररक्षक आले बॉल वरती दूरवर आहे, तोपर्यंत काय सांगायचं आहे गडी सांगत नाही, आला काय सांगायचं, आता आला वाकलनचा बाहुबली केतन म्हात्रे, बेकार आले आल्या गड्यांना घेतला खायला, मग नेमका काय विचार आहे आता खो मातेत काय प्रॉब्लेम आहे का, ते आले आल्या घेतली सोडली, बॉलर सावध बाबा बेकार बॅट्समन आहे, पार पार कडशी तो झाडू काय मारेल नी काय काय नको फलंदाजी। सध्याच्या स्थितीला तरी केतन म्हात्रे महाराष्ट्रामध्ये नाव गाजतंय टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये, आज स्वतःच्या गावासाठी आज किंग ट्रॉफी 2023 उसरगर या ट्रॉफी मध्ये बेकार पार खुरपून खुरपून खुरप्या शॉट, तरी मला सांग बॉलर सावध नाही याला खाणं काय घरी लायलाय मला सांगा, उडीद आणि भरडा काय सांगायचं, मानाय सांगत तुमचा ह्यो 12वा खेळाडू सांगतो बा गड्या खाणाय काय आहे, या ना तो तुमचा सांगता 12वा खेळाडू ना बिनकामाच्या चार भाकरी सांग खाली पाहावं लागेल, पावर तर वाज आले तरी मला तो येरा, अरे काय झालं द्या अजून द्या, बॉल याला कटाळाय लागलं, यो घडी आहे का काय आहे, बॉलर आला का बॉलरला पहिले विचार पडता, ह्यो घडी धुमसल्याशिवाय ठीक नाही, हा बरोबर शेवटचा जर विचार जर केला मित्रांनो आपण आपण पाहतोय शेवटचा बॉल या षटकातला शिल्लक आहे आणि स्ट्राइक इन वरती केतन म्हात्रे, बॉलर जुनियर ओमकार पाटील लेफ्ट राईट हंपर इसराम, आता गड्याना साधाच कुतायलाय बेकार पळतो, एक कंप्लीट दुसरीचा प्रयत्न इथे याला सांगता देखताय जिलेबी और मांगताय भजिया, काय सांगायचंय फुकाट गड्या ना घालायली विकेट। फलंदाज बाद षटक क्रमांक तीन, तीन षटकांचा खेळ समाप्त, संघाची टोटल धाव फलकावरती 49। कियान 11 जीजी स्पोर्ट वाकलन टीमची स्टेपनी पंक्चर आहे उलीशी काम नाही करीत, एस यावेळेस आपल्याला पाहायला मिळतोय बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये हितेश पाटील दाखल होत असताना पाहायला मिळतोय, परंतु आता पाहावं लागेल चौथे षटक कुणाच्या हातामध्ये जबाबदारी असेल,
निलेश भोईर वैयक्तिक दुसरं आणि संघासाठी चौथं. निलेश भोईर मामा भाषा आलं आता एकमेकासमोर. मामा संभाळ तुमचा भाषा मोकार मिरच्यापेक्षा बेकारची काट. हो अगदी फलंदाजी केतन म्हात्रेजी आजच्या दिवसामध्ये कमालीची राहिली आहे. खऱ्या अर्थाने आज तीच फलंदाजी आज आपल्या गाभासाठी करत असताना पाहायला मिळतो. केतन म्हात्रे सध्याच्या स्थितीला 49 धाबा 3 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. निलेश भोईर चौथं षटक आतण्यासाठी गोलंदाजी ट्रॅक मध्ये स्ट्राईक येणार होती. केतन म्हात्रे पहिलाच बॉल हलक्या हाताने सन्मान दिलाय. एक धाव घेण्याचा प्रयत्न जे जोरात सुसाड आला बॉल व बेकार गडी आहे. आज खऱ्या अर्थाने मला या स्पर्धेमध्ये बोलण्यासाठी संधी दिली. मी आयोजकांचं खूप खूप धन्यवाद व्यक्त करतोय आणि सांगायचं झाला तर आयोजकाला धन्यवाद धन्यवाद नाही धन्यवाद. कारण की आज संधी दिली बोलण्याची आणि खऱ्या अर्थाने त्या संधीचं मी सोनं देखील करण्याचा प्रयत्न केलाय. नाही त्याला माहित आहे मामाला जर मट्यान जर घसटला तर मामा येळता ते मात्र धुमसल्याशिवाय ठीक ना. मामा आला बॉलिंगला तर देखा ना कसा लागलाय बॉल वजच मारा आहे. बॉल त्याचा काय कणतो आता. हो अगदी हलक्या हाताने सन्मान दिला जातोय. एकंदरीत धावपळक आमचे स्कोरर सांगतायत 53-53 धावा धावपळकावरती. ते म्हणजे टीम कियान स्पोर्ट कियान जीजी स्पोर्ट वाकलन टीमच्या खात्यामध्ये 3 गडी गमावलेत. या षटकातले अजूनही 4 चेंडू शिल्लक. यावेळी देखील सन्मान दिला. पुन्हा एकदा धावाची बेकार. ओ बाबो बाबा इकडे विकेट घेतली पण भूता तिकडे लिपटली. बेकार ना उठवली एकदाच. अगदी प्रेक्षक वर्ग मनापासून आनंद व्यक्त करतायत कारण की विकेट कुणाची गेली तर ती केतन म्हात्रेची डिझाईन. दहा बॉल 35 कॉन्ट्रीब्युशन दाखवलं. अगदी जर पाहिलं गेलं तर इथे कुठेतरी एक चुकीचा फटका खेळला आणि इथे बाद होऊन यावं लागलं. 53 धाबा आहेत चौथं षटक प्रगती पथावरती असताना. निलेश भोईर ज्याची कामगिरी चांगली राहिली आहे. यावेळेस न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये हरेश भोईर दाखल होत असताना बेकार. मग आपण इकडे खेळाडू कक्षा जसा काय उठबस सकड येतो काय सांगायचं आता काय करीतो नि काय नाही. आपण पाहतो निलेश भोईरला आता कशा प्रकारचं प्रदर्शन. बेकार जोई लागला जेल्या जेल्या धुडकूस भर आहे. एक धाव कंप्लीट दुसरीचा प्रयत्न केला जातोय. थ्रो थोडासा उशिराने आला तोपर्यंत 2 धाबा येतील. 55 धाबा धावपळकावरती सध्याच्या स्थितीला. अरे बरोबर आहे रे. अरे कुठं वाकडाय. अरे बरोबर आहे काम चांगलं असं सांगा ना. यस चला जाऊया. पुन्हा एकदा हरेश स्ट्राईक एंड वरती. उमेश भोईर यावेळेस फेरन लवली मॅन मैदानाच्या आतमध्ये इन बिन करून पॉश मध्ये. हो जेली फेरन लवली उतरून गेली पार इतळली पार. आता माती भीती चोळायला लागल. पाहावं लागेल आता स्ट्राईक एंड वरती. हलक्या हाताने यावेळेस देखील हवेत खेळला क्षेत्ररक्षक दूरवरती. एक धाव घेण्याचा प्रयत्न दुसरीचा प्रयत्न डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न देखील केला परंतु शक्य नाही. तोपर्यंत इथे बाऱ्याच्या वेगानं 2 धाबा इथे कंप्लीट होत असताना पाहायला मिळाल्यात. मामा आला तिथून भाषा पंक्चर गेला.
बासा पंक्चर केला तेटून रन कोट तरी कमी 56 धावा आहेत धावफलका वरती 58 काय झालं माहित आहे का मला लाईव्ह मध्ये बघा तिकडे छाप कोण तुम्ही आला आता जर गोट निष्ठवून काय सांगायचं जेल्या जेल्या दोन भांडी घसली तिसरी टोपशीच फुटली आता काय आता नंतर राहील लाज नाही जरूर जाऊया आता पुन्हा एकदा मैदानाच्या आतमध्ये शेवटचा षटक हाना मारी कुतवा कुती रेमटा रेमटी धोदा धोदा याची वर आणि आता या धोदा धोदा याच्या वरीत कोण कोणाला घसटी तर कोण कोणाला निष्ठी तर कोण कोणाला बिरडा निष्ठी तर घसटणार पुसटणार बॅटमन सध्या वरून तिसऱ्या मजल्यावरून मॅच देखता कोणी केसाव ताव देतो काय डोक्यात काय प्रॉब्लेम आहे का जित दादा प्रॉब्लेम आहे तरी माझा सांगा काल जाऊन ये ना सलून मध्ये हा हो ओके सर हा पॅरन लवली मॅन खवाटा मागून नीट करा सहा बॉल राहिला नॉन स्ट्राइक इन वरती उमेश आणि स्ट्राइक इन वरती फलंदाज हितेश पाटील 58 धावा खेळता येतो पॅरन लवली मॅन म्हणून दे का स्टेटरला बरेच जण आहे मला तर वाटत वाकलन मध्ये लागल एस पहावं लागेल अभिजित पाटील आलाय गोलंदाजी ट्रॅक वरती पहिलाच बॉल मुसक्या बॉल खोसऱ्या बॉल फिल्डर आला आहे दूरवरून योग कम्प्लीट झाला असा दोघा हात पण दोघ काय कामात नाही बेडूक चाप येतात तुम्ही एट बेडूक चापण्यापेक्षा यांना दडात नेला मास मोकार भारी चापतील हो भाजी तरी करतील एकंदरीत जर पाहिलं तर दोन दोन शत्ररक्षक आणि दोन शत्ररक्षकांच्या मधून बॉल निघून चालला आहे सीमापार चौकार चौकाराला संघाचा धावपळ बघता बघता जाऊन पोहोचलाय 62 धावा धावपळकावरती अभिजित पाटीलच्या पहिल्याच बॉल वरती तडाखा आता पुढचा बॉल कशा प्रकारचा राहील यावेळी देखील लोवर फुलालेनचा चेंडू पुन्हा एकदा दोघे परत येतात नाही आता बेडाक बंद केलंय आई काय होत जातरा एकंदरीत या बॉल वरती धावा आल्या तर म्हणजे दोन आणि दोन धावीच्या मदतीने बघता बघता धावफलक मित्रांनो आपल्याला पाहायला मिळेल 64 धावा धावफलकावरती टीम यन 11 जीजी स्पोर्ट वाकलन टीमच्या शेवटचे तीन बॉल 64 धावा टीम कियान 11 जीजी स्पोर्ट वाकलन टीमच्या खात्यामध्ये सध्याच्या स्थितीला 64 आहेत अजूनही तीन चेंडू या पहिल्या डावातले हाताळायचे आहेत आणि या तीन चेंडूवरती प्रदर्शन कशा प्रकारचं लागलाय आंधळी बेडाक चाप आहे बस याचा कार्यक्रम ओके अगदी जर पाहिलं गेलं पुन्हा एकदा धावपळक आपल्याला आमचे स्कोरर मित्र सांगतायत की जाऊन पोहोचेल 65 धावा पण 12व्या खेळाडूला पार आबाळ झालीय तिकडं चुकलं का त्यांच्या बीपी याच्या बीपी इकडे वाढते काय सांगायचं आहे घाबरू नको अजून तुमची बारी शिल्लक आहे काय अजून पहिलाच धाव चालू आहे सेकंदरी शेवटचे दोन बॉल या पहिल्या डावातले 65 धावा धावपळकावरती आमचे स्कोरर सांगतायत आणि स्ट्राईक इन वरती उमेश भोईर फेरन लावली मी आण कवडी लाई तर निचळी तो घसली तो ओ फटका चांगलाय नाही पॉवर आहे गड्यात हा का काय सांगायचं आहे तो सांगतोय हा यो कसा काय योगेश वाघ आला आज माझं नावा ठेवाय त्याचा काय भगवताय भट आहे हा उम्या एक काय एक नको झालाय तुमचाही एकंदरीत धावपळक आमचे स्कोरर सांगता येईल पुन्हा एकदा जाऊन पोहोचलाय 69 आणि एक उम्या एक मग तुम्हाला काय दोन उमे दिसता परंतु पाहावं लागेल आज कामगिरी कशा प्रकारची पण आत योकूज आहे ना एकंदरीत पाहावं लागेल शेवटचा बॉल आहे एकोणसत्तर धावा अव्वल गाबरदी आहेत शेवटच्या बॉल वरती आता काय घडणार बॉल डॉट येणार षटकार येणार चौकार येणार सिंगल डबल की विकेट काय घडणार या शेवटच्या बॉल वरती सध्या 69 आहेत आता या बॉल वरती विचार काय सांगायचं आला वाकलन वाल्या
आता उतरा, आता तरी बिचारा उतरा, खालते उतरा, पाचवा तू दिजेला बुडायल. पहावं लागेल शेवटचा बॉल, फटका इथे जरूर फसलाय विकेट किपर कडनं, परंतु शॉट फायनल एकदा क्षेत्ररक्षक सज्ज, विकेटचं पतन, फलंदाज बाद. पहिल्या डावामध्ये टीम कियान इलेव्हन जीजी स्पोर्ट वाकलन टीमनं धावा बनवला 69 आणि विजयासाठी आता बनवायचे टीम कौसा क्रिकेट संघाला बनवायचे 70 धावा. मित्रांनो अगदी विशाल दादा म्हात्रे यांचं खऱ्या अर्थाने मी खूप खूप धन्यवाद व्यक्त करेल, कारण की आज दादा अगदी कारण की मला लांब जायचंय, बाईक व्यवस्था नाहीये, मी सकाळीच आलो. एक वर कम एक करतो तुमच्या प्रेमा खातीर, कारण की मला देखील दूरवर जायचंय. तोपर्यंत ऐकूया डीजेच्या माध्यमातून सुमधुर संगीत. करणार टीम लगेच क्षेत्ररक्षण सजून घ्या आणि सलामीची जोडी रवाना करा. आपण अगदी पाहतोय आयोजन, भव्य दिव्य आयोजन पाहतोय, फक्त प्रॉब्लेम आहे ना उलीशी बटे ना, डोका दिलाय नाही तर एक नंबर. चला सलामीची जोडी 70 धावा आणि 70 धावांचं लक्ष आता कशा प्रकारे चेस केलं जाईल की डिफेन्स, ते मात्र आपल्याला पाहावं लागेल. किंग ट्रॉफी 2023 आणि खऱ्या अर्थाने सायंकाळचं सत्र आहे. आता सायंकाळचं सत्र आता कोण कोणावरती गाजवेल ते मात्र नक्कीच पाहावं लागेल, कारण की आज दिग्गज एकापेक्षा एक सरस आपल्याला पाहायला संघ मिळाले, परंतु आज पाहावं लागेल. सलामीची जोडी रवाना करा मैदानाच्या आतमध्ये, क्षेत्ररक्षण करणारी टीम. चला आपण लगेच क्षेत्ररक्षण सजून घ्या, कारण की वेळ आपल्याकडे फार कमी आहे. तुझी दोन बॅटर्स मैदान पर भेजी सलामीची जोडी डांगरात डिंगरात टापरात टोपरात मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होत असताना टीम कौसा. काय सांगणार, 12वा बळा उचलाय लागेल तरी जाईल. यस ऍक्च्युली योगेश सर बहुत अच्छे मजा लगा निश्चित रूप से, लेकिन आखिरी मुकाबला ये देखिए आज का दिन का बात करेंगे. और कौसा टीम भी एक बहुत बड़ी सपना लेकर आए हैं, 2 साल पीछे जाइए इस मैदान के अंदर ये टीम है, क्वालिफाई करते करते सपना टूट गया था, क्या फिर से एक बार सपना टूट जाएगा. बिल्कुल विशाल दादा देखिए उनकी तरफ से फरमाइश है, पहले ओवर की तरफ चलेंगे तो आपकी तरफ फिर से एक बार है, लेकिन अंतिम का फिनिश यहाँ पर है, बहुत मजा आया निश्चित रूप से. यहाँ पर टारगेट की बात करेंगे, 70 के टारगेट है. स्ट्राइक इन फॉर द फलंदाज,
योगेश फौजदार नॉन स्ट्राइक एंड वर्दी ओमकार पाटिल जुनियर केतन मात्रे बेकार बेकार पहिलाच खोसऱ्या बॉलाने पहिलेच बॉलाव चानस भेटली घड्याल काय सांगायचंय एक बाजूला कौसा आणि एक बाजूला वाकलन दोन्ही आली बाबा आज मला वाटत कोण कोणाला घष्टीत आणि कोण कोण आला नाही गडी तस आहे ना 11-57 वाला केतन मात्रे बेकार पहिलाच बॉल देखानच करी नो कवडा खोसऱ्या मुसक्या बॉला पडला था पण गडिया नाही कसा जरी संधू आडी बॅट केली परत लागला बॉलर पापू कराय केतन मात्रे बेकार गडाना रट्टा तेवढा निभार दिलाय बोळू 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 लाय चुना मळ तंबाखू लाय चुना मळ तंबाखू हान ठोका ठोका छे चौकार काय सांगायचंय जो खातो आहे त्याला कळला भाया छे थँक यू डीजे सुमधुर संगीत ऐकलं आपण डीजेच्या माध्यमातून ऐकला नाही तुम्ही कांजेला तुम्ही कुण घटाव ओ बेकार काल बिचारा जीवाची आबाळ करीत होता तेवढा तर पडतो चायलाय तो वाईट तर जाऊन दे ना हा काय 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 त्याचा तिकडे खेळताना जीव चायलाय येई खुंदे खाना कधी मालिश मांड्या थाट्या पार आपडता हो त्याची बिचाऱ्याची आबाळ निभार बॉल राहिलाय बॉलिंग हो एस येणारा पुढचा बॉल ओहो या वेळ देखील बेकार पाहावं लागेल बेकार वन बाउंस सीमारे शपार हाय तो चौकार नाही ज्यांचं शुभागमन तुम्हाला गडी एक शेक भेटला बेकार गडी आत एक नंबरी बेकार काय सांगायचंय काही काही योग्य डोळा निजत असत हो पण आम्ही लगेच दागा करतो बेकार काम हो का बेकार तू हाताला पार मुंग्या येस परत ठोप काय ठोकायचा तेवढा एकंदरीत जाऊया 11 धावा धावपळकावरती आहेत षटकातले अजूनही 3 चेंडू शिल्लक आहेत तो जाणू काय तुझा आम्हाला घष्टीतो आम्ही तुला घष्टू आणि खऱ्या अर्थाने त्या अनुषंगाने 70 धाब्यांचं लक्ष त्याचा पाठलाग करताना यावेळी देखील कोलवा टप्प्याचा चेंडू होता शतरक्षकाला बॉल वरती बेकार नाही यांचाच खरी आहे का अरे बाबा बिचारा त्यांना नीट खेळून दे ना त्यांच्या बिप्या काल तुम्ही लो करता अगदी जरूर आपण पाहतोय टाळ्यांचा वर्षाव जरूर होतोय पण तुम्ही त्याचा मोकार लोड देता काय सांगायचंय धन्य तुमचाही एकंदरीत जयेश आणि तुम्ही ते बाजूला ते काय कमी खत्रियात ते त्याचे 4 पटी नात आरडायल एकंदरीत जाऊया पुन्हा एकदा 12 धावा धावपळकावरती शेवटचे 2 चेंडू या षटकातले शिल्लक आहेत आणि स्ट्राईक एंड वरती ज्युनियर ओमकार पाटील पाहावं लागेल परंतु तितकाच नाबाजलेलं नाव केतन मात्रे गोलंदाजी ट्रॅक वरती बेकार बाबा याचाच करी आहे काय करील बॉलर करून करून काय करणार 4 तांबे 4 हंड 4 कळशा आणि ते तिकडे कन्यादान एकंदरीत 4 धावा टप 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 गाणं ऐकताच मालक सुसाट बेकार या बाई देखील चांगला फटका शतरक्षक आहे डोळे मिटकून फिल्डिंग करीतो तो परत काय सांगायचा रन आउट ची चान्स परंतु बेडूक चाप्या काय आहे अगदी आपण पाहिलं पहिले इस्तमाल करे फिर विश्वास करे तिसरा पंच खात्री केली जाईल आता आणि शतरक्षण सजून घ्या टीम वाकलन अगदी आयोजक स्वतः करे आता तिसऱ्या पंचांची भूमिका स्पष्ट करतायत जरूर तुमच्यापर्यंत निर्णय पोहोचवला जाईल अगदी मित्रांनो आजच्या दिवसामध्ये कुण्या खेळाडूचं कुण्या प्रेक्षक वर्गाचं मन दुखावलं असेल तर लहानसा भाऊ म्हणून क्षमा करा आणि अगदी या स्पर्धेत ना आम्ही निरोप घेतोय कारण की मला देखील लांबचा प्रवास करायचाय आणि आज खऱ्या अर्थाने मला इथे बोलण्याची संधी दिली संधीचं सोनं करण्याचा प्रयत्न केलं परंतु चुकून जर एखाद्या खेळाडूचं प्रेक्षक वर्गाचं पंचांचे कुणाचं मन दुखावलं असेल तर लहानसा भाऊ म्हणून क्षमा करा धन्यवाद
तो चलिए समय क्रम है, फील्डिंग लगाइए, वॉकलैंड टीम है, डिसीशन आ जाएगा आपके सामने। देखिए नट आउट है, यही बात कर रहे थे, फील्डिंग लगा कर रही है। योगेश वाक सर बहुत बहुत आपका शुक्रिया निश्चित रूप से, विशाल दादा मात्रे के अपने मान रखते हुए इस टूर्नामेंट में, और इस टूर्नामेंट में देखिए जब जब कोई पहुंचे निश्चित रूप से कामयाब होकर गए हैं। आज बड़ी एंटरटेनमेंट से आपने किए, लेकिन मुकाबला भी देखिए उतना रोमांचक मूड पर आ चुका है। शाम का समय है और कहते हैं ना मौसम की तरह कहीं तुम बदल ना जाओ, क्या ये मैच बदल जाएगा। पहला ओवर का खेल समाप्त होने के साथ साथ टीम का स्कोर देखिए बना है 17 रन, अभी 24 गेंद 53 की जरूरत है। सतीश दादा मात्रे देखिए इनकी सुभातों से यहाँ पर योगेश वाक सर का सम्मान किया जाएगा। योगेश वाक सर जाइए सम्मान बॉक्स पर, सतीश मात्रे साहब उनकी सुभातों से देखिए यहाँ पर देखिए बात करेंगे, यहाँ पर से हमारे मोहन सिर पाटिल साहब देखिए बात करेंगे, नारीवली जहाँ पर एक बड़ा बिग शो देखिए विश्वनाथ सिर मस्कर साहब इनके साथ देखे गए। नारीवली का टूर्नामेंट आयोजन आने वाला 10 मार्च से लेकर आपके सामने 15 मार्च तक रहेगा, लेकिन शुभकामना देखिए यहाँ से वॉकलैंड टीम के लिए आता हुआ। धन्यवाद मोहन सेठ विश्वनाथ सेठ मस्कर रहे। और ये चलिए भाई ये हो रही है जंग की लान, देखिए यहाँ पर से ओमकार के बल्ले से आता हुआ 58 की घटा और 4 रन। रनों की टारगेट से समर डोले का थोड़ा सा सर दुखता हुआ निश्चित रूप से आशीष कितन मात्री वॉकलैंड टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, कौशा के हैं निश्चित रूप से, लेकिन ओमकार की जोड़ी और योगेश ने बता दिया कहा लगता है लौट कर वापस नहीं आएंगे। गलत देखिए, जब तक टेनिस क्रिकेट में कोई भी खिलाड़ी को कम मत सोचिए। आजकल देखिए टकआउट देखिए उनका क्राउड देखिए शोर शराबा, इसे कहते हैं चाय से ज्यादा केटली गर्म। कौशा टीम देखे शुरुआत एक ग्रेट स्टार्ट, जीतपुर तैयार आगे निकले, यहाँ पर स्लोग स्वीप करना चाहते थे, हवा में केंद्र फंसा कैच शॉर्ट लेग पर देखिए यहाँ पर कैच का शिकार होते हैं ओमकार पाटिल, पिछली मैच के मैन ऑफ द मैच है, लेकिन इनिंग ज्यादा लंबा नहीं चला यहाँ पर और जीतपुर को मिलता हुआ सफलता। नितिन सर कहती ना सड़क कितना भी साफ हो धूल होता है जरूर, और बैटर कितना भी बड़ा हो गलती करता है जरूर। देखिए केतन मात्रे का 35 पर विकेट गया और ओमकार की देखिए बात करेंगे तो यहाँ पर 9 रनों के ऊपर विकेट गिरता हुआ, लेकिन कौशल टीम को एक ही दिल में यही ठान कर उतरना होगा कि हमें 70 तक पहुंचना है, विकेट चाहे कितना भी सामना करना पड़े। यहाँ पर 9 विकेट गंवाने के साथ साउथ अफ्रीका टीम ने 434 रन को पेश किया था, आखिरी जोड़ी में वो मुकाबला को जीता था। मार्क बाउचर आखिरी समय तक डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे, उसी तरह से यहां पर आखिरी जोड़ी तक यहां पर संघर्ष करना चाहिए तब जाकर ये 70 रन अब हासिल कर सकते हो। स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए 21 रन है। ऑस्ट्रेलिया टीम देखिए लगातार अंतरराष्ट्रीय में 21 जीत हासिल की है, रिकॉर्ड है, लेकिन उसका भी घमंड टूटा था 22 मुकाबला हारने के साथ है। समुन्द्र को भी एक समय घमंड था कि उसे कोई डुबा नहीं सकता है, लेकिन उस समय छोटा सा तेल का फून आया और समंदर के पानी में तैरता हुआ चला गया, तो समंदर का भी घमंड चकनाचूर हो गया। तो टेनिस क्रिकेट में हम घमंड बिल्कुल ही नहीं कर सकते, कौन टीम है अच्छी है, कौन टीम है लाजमी है, कौन मुकाबला जीतेगा, कौन मुकाबला हारेगा, लेकिन जब तक मुकाबला की आखिरी गेंद फेंका नहीं जाता। नितिन सर कहते हैं ना योगेश वाक सर लीजिए, नितिन सर आप लीजिए या बाबू सा, हमारी कॉमेंट्री से कभी खेल समाप्त नहीं होता जब तक मुकाबला की आखिरी गेंद फेंका नहीं जाता। तो चलिए योगेश वाक सर कॉन्टेक्ट नंबर देकर जाइए नितिन कारण सर के पास, बहुत सारे लीग मैच है, एडिशनल लीग से लेकर टाइगर लीग है, और टोटल की बात करेंगे टोटल देखिए यहाँ से 22 रन बनाए भाई। इसे तो कहा जाते हैं हर इंसान अपनी जिंदगी में हीरो है भाई, कोई तालियां बजा कर तो कोई गालियां बजा कर तो, हमारे टीचर राज भी खुश। और ये चलिए भाई एक गेंद कम खेलने होगी इस समय देखिए बात करेंगे, डॉट गेंद जितनी कम खेलने ना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। कहते हैं ना सेहत के लिए हानिकारक कौन रहता है, डॉट गेंद ज्यादा से ज्यादा। और कप्तान देखिए थोड़ा सा उम्मीद रखे हैं, कौशल के समर्थक देखिए काफी तादाद से यहाँ पर। नितिन सर देखिए यहां से नितिन कालन सर
टूर्नामेंट के देखिए आखिरी दिन जुड़ेंगे फाइनल डे क्योंकि इनकी बड़ा रोल मॉडल रहता है हमेशा डंबोली टेनिस क्रिकेट में फिनिश करते हैं शुरुआत से लेकर आखिरी प्राइस सेरेमनी वो जिम्मेदारी फिर से एक बार विशेष उत्साह घर में पंडरम सर संतेश साहब देखिए अलंकार संतेश साहब देखिए उनके सुपुत्र कटआउट हम देख सकते हैं शायद जितनी बार इस टूर्नामेंट में हम जुड़े हैं उनके साथ आज लेकिन कुछ शादी की घर की देखिए इमरजेंसी के कारण से दादा की यहाँ पर उपस्थिति नहीं हो पाई लेकिन कोई बात नहीं पूरे विशेष उतार कर देखिए अच्छी मेहनत यहाँ से इस ओवर में देखिए रन आना चाहिए था टीम के लिए लेकिन पहली गेंद के ऊपर चौका आया लेकिन उसके बाद देखिए जैसे ओमकार का विकेट गिरा रनों में अंकुश लगा कहते ना दोस्तों मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद और गेंदबाजी अक्सर हावी होता है सफलता मिलने के बाद और जैसे सफलता देखिए हाथ लगी रनों में अंकुश लगे चलिए वाकलन टीम ये लॉकडाउन मत लगाइए लॉकडाउन खुला रखिए भाई क्योंकि जितनी रोशनी मिलेगी ना कौशल टीम देखिए लगभग देखिए केतन मात्रे भांजे देखिए केतन मात्रे कौशा का आ जाए तो उनके मामा का गांव निश्चित रूप से इसलिए देखिए हमेशा समर डोले बात करेंगे आशीष देखिए कितनी भी काम होने दीजिए टीम के साथ जुड़े रहते हैं और समर डोले देखिए कई मरतबा कंधों पर उठाकर केतन मात्रे को सीरीज का तक लेके गए हैं और आशीष समर डोले देखिए तालियां बजा रहे हैं भाई क्योंकि केतन मात्रे और वाकलन टीम अच्छी स्थिति में आ चुका है और कौशा टीम देखिए चाहेंगे भाई जवाब देना यहाँ से लेकिन जवाब ढूंढना होगा भाई कहते ना अच्छी इंसान अच्छी किताब है और जब एक अच्छा टारगेट सेट होता है ना फिर आपको जवाब ढूंढना होता है लकी ड्रॉ देखिए यहाँ पर चिट्ठी उड़ाया जाएगा इस मैच के बाद एक टीम सुपर एट में पहुंच जाएगी लकी ड्रॉ से और जो दो टीम रहेगी उन्हें इस मुकाबला में खेलना होगा और कौन से दिन कौन सी तारीख आपको दिया जाएगा मुझे लगता है शायद कल आना पड़ेगा या शायद विशाल दादा जिक्र करेंगे चलिए मामा भांजा यहाँ पर हमने सामने देखिए अरे चलिए भाई सड़ने को छिलने भाई जैसे कह देना बाबू जी जरा धीरे चलो बिजली गिरी है और ये बिजली कितना तेज आएगी ये आने वाला वक्त बताएगा चार रन नीलेश भोईर नीलेश भोईर देखिए मामा हैं लेकिन भांजे के ऊपर सवार करते हुए और भांजी ने भी देखिए 35 रन जोड़े थे केतन मात्रे की बात करेंगे बड़ा अच्छा मुकाबला देखिए यहाँ पर पूरे टंबोली देखिए इस मुकाबले को देखते हैं टेनिस क्रिकेट में जहां जहां जुड़े रहते हैं SMD लाइव स्पोर्ट देखिए बात करेंगे बहुत बढ़िया चलिए वाकलन टीम थोड़ा समय जा रहा है गेंद भी बाहर जा रहा है आने में वक्त है चलिए नीलेश जी आप भी ज्यादा समय मत लगाइए खुद के पैर के ऊपर खुद कुराड़ी मत मारिए बहुत बढ़िया देखिए केतन दादा यहाँ पर विशाल दादा के साथ हमेशा देखिए केतन दादा मात्रे इनका भरपूर मेहनत रहता है सुबह से लेकर शाम से लेकर सुबह भरपूर मेहनत देखिए और एक केतन मात्रे देखिए मैदान पर ओहो उड़ाया हवाई फायर लेकिन फील्डर गेंद के नीचे भाई उदास हो गए मामा को बता रहे हैं अब तो मामा ठाकुर जियो ये चलिए बता दिए भाई नीलेश भोईर को हो मामा ठाकुर रिश्ते में तो हम तुम्हारे भांजा लगते हैं लेकिन हम हैं टेनिस क्रिकेट के शहंशाह केतन मात्रे देखिए आज भी बहुत अच्छे खासे रन जोड़े हैं विकेट भी मिल रही है लेकिन मैं तो गावदी भी कौशल टीम को यही कहना चाहूंगा हिम्मत मत हारिए तो चलिए बहुत कमाल के गेंदबाजी एमपीएल में किए थे निश्चित रूप से नीलेश भोईर मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजे गए थे समर डोले देखिए मुस्कुराते हुए तालियां बजाते हुए अरे चलिए मैं तो गावदी भी कौशल टीम को यही कहूंगा भाई आप हिम्मत मत छोड़िए संघर्ष करते रहिए और गेंद देखिए लेग स्टंप से बाहर वाइट का इजाफा जीत भी आज देखिए रूसी भी टीम में नहीं है शायद प्रदीप नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी अच्छा क्रिकेट
एक ओमकार देखिए वाकलेंस के मुरभी पर कमेंट्री करते हुए, लेकिन एक वाकलेंस टीम यहां पर संघर्ष करता हुआ। तो चलिए मैन ऑफ द सीरीज के लिए देखिए जो बाइक है आपको ध्यान रखना होगा, जो सेमीफाइनल तक मैच रहेगा ना वहां तक आपका विकेट रन ये सब ऐड किया जाएगा, फाइनल मैच के लिए नहीं। बिल्कुल ये चीज के ऊपर गौर रखना होगा। एर और एक विकेट गिरता हुआ यहां पर मौका है डीजे के पास। बहुत बढ़िया, देखिए 15 गेंद 41 की जरूरत है कट आउट, आप सामने देख सकते हो T20 वर्ल्ड कप 2007 का कट आउट, देखिए जब हिंदुस्तान टीम चैंपियन हुई थी और वो बैनर देखिए सामने आप देख सकते हो। बहुत बड़ी देखिए इस मैदान की सजावट है और मुझे तो लगता है टेनिस क्रिकेट का सीजन जब तक चलता रहता है यहाँ जब भी इस पटरी से आप जाओ आओ ये मंडप ये मैदान हमेशा मैच खेला जा रहा है। बहुत सारी टीम देखिए यहाँ पर टूर्नामेंट यहाँ पर एंट्री किया जा रहा है और विशाल दादा आने वाला समय में आने वाले वक्त में मैं कहूंगा एक बहुत बड़ी खूबसूरत है जो ये मैदान तैयार करके दिए हैं और टुम्बोली के कहीं सारा मुकाबला टेनिस क्रिकेट आप यहां पर देख सकते हो। कपिल देव कक्ष देखिए हम देख सकते हैं कहीं महान खिलाड़ियों का बहुवर्णीय श्रद्धांजलि के साथ साथ देखिए बात करेंगे। दीपक दादा प्रतिष्ठान कक्ष आप देख सकते हो स्वर्गीय गांधीवली, बहुत अच्छी सोच है देखिए यहाँ से। और विशाल दादा देखिए जब इस मैदान की शुरुआत हुई थी शायद तभी भी हम कमेंट्री में जुड़े थे, आज तीसरा या चौथा साल हो चुका है। ये छोटे छोटे पेड़ भी देखिए मैदान के चारों तरफ आने वाला वक्त में बड़े इत्मीनान से बैठकर दर्शक देख सकते हैं। बहुत बड़े अच्छे इंतजाम देखिए दर्शकों के लिए, शाम का समय इमारत है। और चलिए गेंदबाज एक बार तैयार। विशाल दादा एक बार इस मैदान पर मैं डे नाइट मुकाबला देखना पसंद करूंगा, शायद अप्रैल महीने में देखिए बहुत जल्दी देखिए हमने, इसलिए कहते ना शेर कभी शिकार करने का सपना नहीं देखता है। विशाल दादा देखिए मैंने जिक्र करने के साथ साथ बॉल टू रन बात करेंगे यहां से, अभी जीत के लिए देखिए 38 की जरूरत है भाई, 12 गेंद 38 की जरूरत है, मुकाबला अभी भी जीत सकते हैं। देखिए भाई बात करेंगे 19 के औसत से रन बनाना है, आप कैलिस ब्रैथवर्ड को याद कर लीजिए भाई, एक ओवर में जब इंग्लैंड के सामने उन्हें 19 रनों की जरूरत थी ना उन्होंने 4 छक्के दाग दिए थे भाई, तो आपको यही सोचना है 4 छक्का नहीं दागना है 3 छक्के भी दाग दीजिए, 2 छक्के 1 चौके दागिए बाकी 3-4 रन ढूंढ लीजिए भाई, ये मैदान में रन बन सकता है भाई और बनाने वाला होना चाहिए भाई। और जब मैदान पर देखिए अभी तक बात करेंगे योगेश फौजदार देखिए एक बैटर हैं अभी तक देखिए बात करेंगे और प्रशांत देखिए पाटिल स्ट्राइक पर बैटर की बात करेंगे, प्रशांत पाटिल देखिए स्ट्राइक पर गेंदबाजी की बात करेंगे, अविनाश भुईर ये उद्देश्य है भाई, लेफ्ट हैंड गेंदबाज को भी हैं और ये भी देखिए केतन मात्रे कितनी तेजी से भाई थ्रो कर रहे हैं। ये मैदानी जंग होती है, जो रिश्ता रहती है ना मामा भांजे की वो मैदान के बाहर रहती है भाई, मैदान के अंदर नहीं, मैदान के अंदर सिर्फ मैदानी जंग रहती है। और अभी भी देखिए बात करेंगे 2 रन आया 36 की जरूरत है, 11 गेंद 36 की जरूरत है भाई, बड़ा हिट लगाना होगा भाई 1-47 अगर ये मैच जीतना है तो भाई। अरे देखिए भाई सिंगल डबल से काम नहीं चलने वाला है, कहते हैं ना समंदर की लहर चाहे कितना भी ऊपर उठे कभी आसमान नहीं छू सकती, लोहा का चना चुभाओगे तो भाई दांत टूटेगा, एक नहीं पूरी 32 इसको देखिए बात करेंगे 36-36 रन, अभी देखिए गेंद बचा है भाई, मानपड़ा स्टॉप पर जाइए जहां से पनमेल के लिए मिल जाएगा बस, लेकिन गेंद बचा है 10 और जीत के लिए चाहिए भाई यहां पर 34। और ये देखिए भाई बात करेंगे यही तो बात हम कर रहे थे, दिल में थोड़ा सा जुनून लाना होगा आंधी लाना होगा भाई तब जाकर ये मैच आप जीत सकते हो। खराब क्रिकेट थोड़ा सा हम कहेंगे यहां से, कोशिश नहीं कर रहे भाई, कोशिश तो करना चाहिए, कहते ना जिंदगी में कुछ पाना है ना तरीका बदलो इरादा नहीं,
इरादा जो है वो रहने दीजिए, थोड़ा तरीका बदलना होगा भाई आपको। मौका है डीजे के पास फिर से एक बार, लगातार देखिए विकेट गिर रही है। पहुंचाइए भाई और उसके साथ साथ मोटी देसाई टीम के कप्तान। चलिए दोनों कप्तान यहां पर उपस्थित रहिए, यहां से जितने वाली टीम के कप्तान आएंगे लकी ड्रॉ चिट्ठी से देखिए एक टीम सुपर एट में प्रवेश करेगा और जो दो टीम रहेंगे भाई वो मुकाबला खेलेंगे। आज नहीं खेलेंगे, इसका तारीख आपको दिया जाएगा उदिया यानी कल आपको खेला जाएगा यहां पर से। तो चलिए बात करेंगे यहां से। महेश दादा चेहरा बहुत खराब हो गई आपकी नाइट मैच में लग रहा है। तो चलिए 8 गेंद 28 की जरूरत है भाई। ऐसा मुकाबला था पाकिस्तान है हिंदुस्तान के बीच में 8-28, तभी पाकिस्तान के दर्शकों के अंदर वो डर था क्योंकि वो हमेशा कहते हैं भाई डर नहीं लगता है बंदूक की गोली से, डर लगता है विराट कोहली से। तभी 2 छक्का हरीश रूप के ऊपर दागा था और ये चलिए भाई यहाँ पर गेंद बल्ला कहाँ घुमाए, गेंद गया कहाँ, मुझे लगा लॉगन या लॉगन के ऊपर से खेले गए, 2 रन आता वहां। लेकिन अभी देखिए 26 की जरूरत है। चला मोटी देसाई संगाजी कर्णधार, अरे सोनार पड़े संगाजी कर्णधार। तो चलिए यहां से बात करेंगे, 7 गेंद 26 की जरूरत है, अगर एक भी यहां पर छक्का आता है ना एक उम्मीद जाग जाएगा भाई। और ये चलिए फुल लेन का गेंद था, छक्का तो नहीं आएगा लेकिन चौका आया है और उम्मीद जगा है। 7 गेंद 22 की जरूरत है, अतः रंगा था रंगा ताला मैच ठोक दीजिए। बात करेंगे यहां पर 22 रनों की जरूरत है, 6 गेंद और 21 भी बनाते हैं तो मुकाबला जीत सकते हैं। कारण से यहां पर 4 विकेट गवाए हैं और ऑकलैंड टीम ने देखिए 5 विकेट 6 विकेट गवाए हैं। बेनिफिट फायदा है विशाल दादा यहां से 21 रन 22 की यहां पर देखिए जरूरत है। कौन बोल सकता है 22 के बाद 2011 वर्ल्ड कप में देखिए जहीर खान ने 22 विकेट लेते तभी हिंदुस्तान टीम चैंपियन बना था भाई। तो यहां पर भी 22 रन जोड़ना है भाई। मुझे लग रहा है ऐसा एक मुकाबला खेला गया था मकर संक्रांति ट्रॉफी में, पिंटिया जोशी ने देखिए फिनिश किया था मैच को। तो चलिए यहां से बात करेंगे ना वही 6 गेंद 22 की जरूरत है भाई। और ऐसा मुकाबला एक T20 वर्ल्ड कप में खेला गया था पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के बीच में, माइक हॉसी थे मैदान पर, सईद अजमल उस समय के बेस्ट स्पिनर में उनकी गेंदबाजी के नाम आते थे, लेकिन फिनिश किया था माइक हॉसी ने भाई। 6 गेंद 22 की जरूरत थी। और तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर, भलाई सेमीफाइनल का मुकाबला था वो ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल से फाइनल पर पहुंचा था लेकिन उससे हाथ से इंग्लैंड ने मैच लिया था। तभी बात करेंगे कॉलिंगवुड कप्तान थे और उन्होंने पहला T20 वर्ल्ड कप दिलाए थे इंग्लैंड टीम को। तो चलिए यहाँ बात करेंगे ये बैटर क्या दिलाएंगे एक मौका, 6 गेंद 22 की जरूरत है, 21 भी बनाते हैं तो बन सकता है। और स्ट्राइक पर बैटर कौन रहेंगे भाई, योगेश पोजदार देखिए भाई पहला गेंद और ये देखिए भाई विकेट यहां पर देखिए गिरता हुआ, निराश देखिए चेहरा यहां पर दिखता हुआ। अभी 5 गेंद 22 की जरूरत है। तो चलिए ना एक नई खलनायक भाई, कितना खिलौना से खेला है तू,
लेकिन इस खिलौना से कितना भी खेलो, ये क्रिकेट का खेल है ना भाई, आपको खिलाड़ी से यहाँ पर खिलौना बना देता है भाई। 5 गेंद 22 की जरूरत है, अभी भी कहूंगा 1 विकेट हाथ में बची है भाई, और टॉस भी कहीं ना कहीं के हाथों पर है। यही बात कर रहा था, टॉस जीतकर अगर बल्लेबाजी कर लेते तो शायद है, अभी जितनी दबाव गिरी है शायद वो दबाव नहीं रहता। केतन मात्रे हमेशा दबाव में फंसते हैं सेकेंड इनिंग में, लेकिन उन्हें पहले बल्लेबाजी का मौका दे दिया। और ये चले उड़ा गया हवाई फायर, 1K47 चार गेंद नाइक नहीं खलना है क्या, कहते हैं ना उल्फत में जो सर कटाए उसे सरदार कहते हैं, और दबाव में जो बेहतर क्रिकेट खेले उसे नाइक नहीं खलना है क्या। बैटर की बात करेंगे, अभिजीत पाटिल भाई यही सही बल्लेबाजी करना होगा, कहते हैं ना डर तुझे कैदी बनाकर रखेगा, खुलकर बल्लेबाजी कर गुरु तो सूर्या कुमार यादव बनेगा। और फिर से एक बार उड़ाया, वारे वाह वाकलन टीम के गेंदबाज तो यही कहेंगे भाई, अल्लाह बचाए मुझे हाय तेरे वार से, 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 हाय तेरे वार से। तो लगेगी भाई, कहते हैं ना मिठाई खाने का मजा तो असली आता है मिर्ची खाने के बाद। और फील्डिंग लगाई है भाई, अभी गेंद कितनी बच गई भाई, गेंद रह गई 3 और जीत के लिए चाहिए भाई। टेस्ट में 400 रन बनाने वाले लारा और रन बनाए 12 भाई, बनाना होगा 12। फील्ड खोल दीजिए भाई, चिंगो चिंगो जीत भूर पहुंच गई गेंदबाजी तक भाई, अल्लाह बचाए मुझे हाय तेरे वार से, क्या बल्लेबाजी भाई। अभिजीत पाटिल अंपायर फील्ड खोलिए भाई, यहां पर विशाल दादा जानकारी दे रहे हैं, मैच का मोमेंट मत नहीं खोना चाहिए भाई। केतन मात्रे भाई दबाव दबाव दबाव, समर ढोले आशीष देखे मिर्ची लगती हुई, और ये मिर्ची की देखते हैं स्वाद कितनी और तेज लगेगी भाई। टीम उनकी कौसा गांव है, लेकिन केतन मात्रे वाकलन टीम को सपोर्ट कर रहे थे। और अभी यहां से देखिए 3 गेंद 12 की जरूरत है, तो बड़ा हिट क्या इतिहास रचेंगे भाई। ये मैच कांटों का हो चुका है, दर्शकों की धड़कने देखे बुलेट ट्रेन के जैसे धक 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 धक, और क्या कमाल का मुकाबला भाई। अगर जीत दिखाएंगे तो फिर अभिजीत पाटिल बन जाएंगे हीरो। ओहो यहां से देखिए डॉट गेंद, फिर से बाजी पलटी भाई, और समर ढोले के चेहरे पे फिर से 32 दांत मुस्कुराते हुए। अभी भी देखिए 2 गेंद 12 की जरूरत है भाई, अभी भी मैच बचा है भाई। समर ढोले का निश्चित रूप से तो फुसफुस हुआ था, लेकिन यहां पर देखिए 1 छक्का आना बहुत जरूरी है भाई, अगर ये गेंद के पर आएगा छक्का तो मैच में मच जाएगा सनसनी भाई। क्या उम्मीद जागते हुए यहां पर, कश्ती कभी भी डूब सकती है, तकदीर कभी भी बदल सकती है दोस्तों, ये किंग मैदान है और मैच का रिजल्ट कभी भी बदल सकती है। ये चलिए भाई, विशाल दादा बता रहे हैं समय बहुत ले रहे हो भाई। गणेश सुवीर किरण को देखिए नजदीक यहां पर फिल्डर लगाया जा रहे हैं, और मेरे हिसाब से देखिए अभिजीत को तो वो तो सर में कफन बांधे हैं भाई, जाएंगे बड़ा हिट की तरफ। एक गेंद मैच का निर्णायक गेंद रहेगा भाई, मैच का कर देगा पर्दाफाश। YouTube पर देखिए जितने दर्शक जुड़े इस मैच में जड़ रहे हैं, सबका दिल की धड़कने तेज हो चुका होगा। डगआउट तो यही चाहता है भाई, फूलों की दुकान खोल और खुशबू की व्यापार कर, सिंगल डबल की चक्कर छोर और चौके छक्के लगाकर दरिया पार कर। ओहो हवाई फायर, ओए दैया मार डाला रे, 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 मार डाला रे। चलिए फील्डिंग ऐसे लगाइए, वॉकलन टीम जास्ती वेल घे ना, वॉकलन संघ बाबा लवकर लवकर फील्डिंग सजा,
एक गेंद जीत के लिए छह की जरूरत है। क्या मुकाबला भाई, लाजवाब महेश पाटिल कौसा टीम ने बता दिया भाई, सांप में जहर हो या ना हो लेकिन जहरीला दिखना चाहिए। और वाकलन टीम के साथ हर टीम संघर्ष देना पसंद करते हैं भाई। 28 रनों की इनिंग, अभिजीत के लिए एक बार तालियां बजनी चाहिए भाई। 7 गेंद 28 है, क्या वाटा फिनिश करेंगे मैच को यहाँ पर, क्या मुकाबला भाई। इसे कहते हैं दिल दिया जिसको, वो दिल्ली चली गई और दिल्ली पहुंचा तो उसे मिलने के लिए भाई वो इटली चली गई। सोचा जान दे दूं बिजली की तार को पकड़ कर, लेकिन उस तार को पकड़ा तो बिजली चली गई। ऐसा हाल समर ढोले का हो चुका है। एक गेंद छह की जरूरत है, जोरदार तालियां बजनी चाहिए। क्या कमाल का मुकाबला देखिए, इसलिए तो कहा जाता है भाई क्रिकेट खेल कोई खेल नहीं बच्चे का, और जिसमें देखिए पसीना निकलता है भाई अच्छे अच्छे का। चलिए वाकलैंड टीम, यहां से आपको पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। विशाल दादा बता रहे हैं यहां पर समय बहुत ले रहे हैं यहां से। एक गेंद छह की जरूरत है, दिल दहले जाने वाला मुकाबला। इसे कहते हैं भाई मेहंदी लगा के रखना, ट्रॉफी सजा के रखना। क्या ट्रॉफी उठाने आएंगे कौसा टीम के सजना, या वो ऑकलैंड के अविनाश बचा पाएंगे। एक गेंद के पर लगाते तो छक्का, तो फिर टेनिस क्रिकेट में हो जाएगा भाई हक्का बक्का। क्या यहाँ पर अविनाश फिर मैच को बचा पाएंगे। प्रेशर 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 में कुकर, और यह राहुल पाटिल 1000 अगर लगता है तो छक्का। और ये चलिए भाई 2 रनों से मैच हारे लेकिन दिल जीता भाई, तालियां बजनी चाहिए अभिजीत के लिए। क्या मुकाबला भाई, कमाल का मुकाबला, मजा आ गया। अगर 2 रनों से मैच हारे लेकिन दिल जीते भाई, केतन मात्रे खून के आंसू रुला दिए थे भाई। लाजवाब यहां पर अभिजीत की जितनी तारीफ किया जाए, नाम भी अभिजीत है और काम भी जीत के जैसे।